हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट ट्रैवल। मेरा नाम नबील इलाही है और मेरे साथ बैठे हैं हज़र अब्बास। आज हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं इन रिगार्ड्स टू ट्रैवल। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो एंड वील सी द थिंग्स। इसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा बेसिकली नबील साहब का पहला ट्रिप था आफ्टर मैनी फेलियर्स, लेकिन एट द एंड इनको कामयाबी मिली और ये लाहौर से लंदन चले गए। तो बेसिकली नवील साहब ने स्टार्ट किया था आज से कोई 4 साल पहले। पहले उन्होंने अप्लाई किया बेल्जियम के लिए 2 दफ़ा, वीज़ा रिजेक्शन। फिर इन्होंने इंग्लैंड के लिए अप्लाई किया यूके के लिए वाया ट्रैवल एजेंट 2 दफ़ा, रिफ्यूज़ल। फिर इन्होंने ख़ुद से अप्लाई किया, डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, जो कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम एजेंट्स नहीं करते, वो बॉदर नहीं करते। इनके ब्रदर इन लॉ ने अप्लाई किया था कनाडा के लिए, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, इस्लामाबाद में है, काफ़ी फेमस हैं, लेकिन ऐसा अप्लाई किया कि भाई साहब का 5 साल का बैन लग गया। माय गॉड। तो इन जैसे जो फेमस बैठे हुए हैं ना ट्रेवल एजेंट्स, इनसे आप अवॉइड करें, ख़ुद से रिसर्च करें, रिक्वायरमेंट्स देखें। अगर आप पूरी कर सकते हैं, अगर तो पूरी हैं, तो तब आप अप्लाई करें। एजेंट्स पैसे बढ़ाने के चक्कर में आपको जो है वो लारा लगा देते हैं कि ठीक है जी, मसला ही कोई नहीं, आप बस पैसे दें, आपका काम तो यूँ हो जाएगा, आपकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी है। ये तो आप खुद से जानते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और हिस्ट्री कहाँ से अच्छी होगी। तो खुदा रहा ऐसा ना किया करें, पहले रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, उसके बाद जो है आप अप्लाई करें। तो आपको आई थिंक ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जैक्टली। तो देखते हैं नवील साहब ने क्या किया, कैसे सफ़र किया, कैसे टिकट्स बाय की। तो इसमें भाईजान ने पहले बताएं आपके अपने टिकट कहाँ से ली, कब ली, कितने की मिली, सस्ती पड़ी, महंगी पड़ी, और क्या कहते हैं कि चलें लेट्स स्टार्ट, देखते हैं नवील साहब से बात करते हैं। जी नवील साहब, बताएं फिर आप कब आपको वीज़ा इशू हुआ और कब आपने टिकट परचेज की। मोस्ट प्रॉब्ली इट्स जस्ट आफ्टर 2 रिफ्यूज़ल्स मुझे फिर काफ़ी शदीद गुस्सा आया एंड आई जस्ट थॉट टू अप्लाई बाय माई सेल्फ। और इस बार मैंने बहुत कड़ी मेहनत के बाद अप्लाई किया एंड आई गॉट द वीज़ा विद इन 7 डेज। तो फिर आई जस्ट प्लान्ड द आइटनरी फॉर ट्रैवल पर्पसेस, एयरलाइन का इंतखाब करना था, तो आई जस्ट सजेस्टेड टू गो विद टर्किश एयरलाइन एंड वो काफ़ी इकोनॉमिकल थी। हाँ, या तो टिकट ली कब थी, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले? 2.5 महीने पहले व्हेन आई प्लान टू ट्रैवल, दैट वाज माय बिजनेस ट्रिप, और स्पेशली लाइक एक एक्सपो थी जो मुझे अटेंड करनी थी, तो मैंने 2.5 महीने पहले ही टिकट को परचेज कर लिया ऑनलाइन। हाँ, तो बेसिकली ये आपका कोई विजिटिंग वीज़ा नहीं था, बिजनेस वीज़ा था। बिजनेस विजिट वीज़ा, सो इट्स दैट सेंस। ठीक है, तो जब आप ट्रैवल कर रहे थे तब टिकट की कॉस्ट क्या थी? दैट वाज अराउंड 2,500 USD। और आपको कितने में कॉस्ट पड़ी? ये मुझे $600 में मिल गया। $600। तो जब भी आपने ट्रैवल प्लान करना है, आपको वीज़ा मिलता है, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम पीरियड आपके पास होना चाहिए सस्ती टिकट के लिए। दैट्स कॉल्ड इन एडवांस बुकिंग, और वो हमेशा आपको बेनिफिट कर जाती है। ठीक हो गया। चलें जी, ये अब नबील साहब एयरपोर्ट के ऊपर घूम रहे हैं एंड आई थिंक इट्स ड्यूटी फ्री शॉप। या ड्यूटी फ्री जोन में हम आ गए। ड्यूटी फ्री जोन आफ्टर स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग, दे जस्ट चेक आउट दैट यू डोंट हैव एनीथिंग डिफरेंट, तो दे जस्ट स्क्रीन यू एंड देन दे पुट यू इन द ड्यूटी फ्री जोन। इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद आप डायरेक्ट जहाँ आ गए? नो, इट्स लाइक ट्रांजिट जोन था, ये ट्रांजिट जोन है, अभी आपने इमिग्रेशन को पास नहीं किया। एग्जैक्टली। तो ये पहले बेसिकली लाहौर से कराची गए हैं, इनकी कराची से फ्लाइट थी, कनेक्टिंग फ्लाइट थी इस्तांबुल से यूके के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये चले लाहौर से, आई थिंक ट्रैवल तो आपका था आई थिंक 10 घंटे का। जी बिल्कुल। लेकिन इनको 24 घंटे लग गए।
कि 7 बजे ये यहाँ से निकले हैं और 7 बजे दूसरे दिन ये वहाँ पहुँचे हैं शाम को, तो 24 घंटे लग गए। क्योंकि कराची जाना था, टिकट अगर मैं लाहौर से डायरेक्टली बाय कर रहा था तो इट वाज काइंड ऑफ कॉस्टली, $1200 की पड़ी थी। दिस इज मी एज यू कैन सी, वाज टायर्ड, हेक्टिक डे था काफी। बस एयरपोर्ट काफी स्पेशियस है और काफी बड़ा बनाया है इन्होंने जी, बिल्कुल कंटेन्स कपल ऑफ थिंग, खाना पीना एवरीथिंग क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली यू विल फाइंड बिग ब्रांड्स जो कि आई गेस मॉल्स में भी नहीं मिलते जल्दी, तो इनका इंतखाब। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि ड्यूटी फ्री जोन नाम रखा हुआ है लेकिन चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि बहुत बड़े ब्रांड हैं, इट्स काइंड ऑफ अनअफोर्डेबिलिटी की भी बात आ जाती है। कई लोग दे ट्राई टू परचेस थिंग्स और एयरपोर्ट्स कमाते भी काफ़ी कुछ हैं, सो आई गेस जिसके बजट की बात है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी आप नवील साहब से कंसल्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू वीज़ा, तो ये आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं आई बिलीव, क्योंकि खुद से एक्सपीरियंस किया है, ये कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है। या ये हमारा काम नहीं है, बट डेफिनेटली वी कैन गाइड यू, ये अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो आप नबील से ले सकते हैं, इज़ अ गुड गाय। तो लेकिन अभी रब्ता हमारा आपका होगा वाया ईमेल, हम अपना नंबर यहाँ पे शेयर अभी नहीं करेंगे कि हर बंदा फ़ोन उठा कर फ़ोन करता रहे। वैसे भी आगे हमने भी एक्सपीरियंस करने हैं, मैं भी ट्राई करूँगा कि चलो एटलीस्ट दुबई चला जाऊँ। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं इतनी हैसल नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, ये टेंशन ले लेता है, मैं नहीं ले सकता। मैं चाहता हूँ रिलैक्स रहूँ, इजी रहूँ। मैं कहता हूँ बस घर आके कोई मुझे वीज़ा दे जाए और साथ में टिकट दे जाए और कहे ये लगेज है आप उठाएं, बल्कि एयरपोर्ट में बिठा के ना जहाज़ में कहें ठीक है भाई जाओ। इट्स ऑल अबाउट थर्ड वर्ल्ड कंट्री को इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन है, इट्स जस्ट बिकॉज कपल ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, दैट्स वाई बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एंड 400 papers रिक्वायर्ड थे जस्ट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा स्पेशली फॉर द बिजनेस पर्पज। मुझे तो तब पता चला जब मैंने एक प्रिंट निकालना था तो प्रिंटर में इंक ही नहीं थी, तब पता चला कि भाई साहब ने वहाँ से जो है ना 400 pages 400 सफ़ात वहाँ से निकाले हैं, प्रिंट किए हैं, और प्रिंट की जो कार्ट्रिज थी वो ख़त्म हो गई। मुझे तो तब पता चला कि भाईजान जो हैं वो बेसिकली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और इन चक्रों में पड़े हुए हैं। बट यू हैड रशिया एक्सपीरियंस, इज़न्ट इट? बिटर एक्सपीरियंस गाइस, रशिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन रशियंस दे आर वेरी क्रूअल, उनके अजीब और गरीब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सोवियत यूनियन के ओल्ड, सोवियत इरा के उनके एंड ऑब्सोलीट लॉज हैं, इवन कि आपके पास अगर वीज़ा भी है तो 99% चांसेस हैं कि वो आपको एंट्री नहीं देंगे, और अगर गलती से आप जाना चाहते हैं रशिया तो पानी खाने पीने की चीज़ें साथ लेके जाएं, प्लीज, क्योंकि हमने टाइम निकाला है वहाँ पे, दोनों ने निकाला है। तो बस कुछ ना पूछिए, बहुत बुरे हालात थे, बस वहाँ पहुँचे जो हमारे साथ हुआ, अब शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट वीडियो है, डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अगर आपने एक्सपीरियंस करना है तो अपनी खाने पीने की चीज़ें साथ लेके जाएं, मॉस्को जाएं, सेंट पीटर्सबर्ग जाएं, किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं, चीज़ें साथ रखें, क्योंकि वहाँ आपको वो कुछ नहीं देंगे सिवाय एक थोड़ी सी स्पेस के और टू मच क्वेश्चनिंग एंड अ लॉट मच वेट। चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।